नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगस्त के पहले पखवाड़े में घटी पेट्रोल डीजल की मांग, मानसून औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती का असर और आईटीसी के सनफिस्ट डार्क फैंटेसी ने अपने ब्रांड के लिए चुना नया चेहरा। सनफिस्ट ने शाहरुख खान को बनाया। आईटीसी के सनफिस्ट डार्क फैंटेसी ने अपने ब्रांड के नए चेहरे के रूप में किंग ऑफ फैंटेसी शाहरुख खान के साथ समझौता किया है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव स्थापित करना है। यह अनूठी पेशकश रोजमर्रा के जीवन में अपनी एक फैंटेसी को सच बनाने की चाहत को देखते हुए तैयार की गई है। कंपनी ने कहा कि किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान को डार्क फैंटेसी का चेहरा बनाते हुए बेहद उत्साहित है। SBI कार्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने रुपए प्लेटफॉर्म पर जारी SBI क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की घोषणा की है। SBI क्रेडिट कार्ड के ग्राहक रुपए प्लेटफॉर्म पर जारी अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इससे रुपए प्लेटफॉर्म पर SBI कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए अवसर और बढ़ जाएंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में स्थापित करेगी। इस सेंटर में AI सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए फिनटेक और वित्तीय क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। कंपनी AI हब के निर्माण और इसे तेजी से विकसित करने के लिए अगले 3 वर्षों में रणनीतिक निवेश करेगी। इन्फीबीम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि पहल के तहत AI हब की स्थापना हमारा एक साहसिक और रणनीतिक कदम है। भारत में AI को अपनाना और इसे लेकर जागरूकता अगले 3 से 5 वर्षों में उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। दूरसंचार सेवा उद्योग की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में कम यानी 7 से 9% रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने यह अनुमान लगाया है। इकरा ने कहा कि निकट भविष्य में शुल्क दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है, जिससे दूरसंचार कंपनियों की प्रति ग्राहक औसत कमाई स्थिर रहेगी। इसके साथ ही इकरा ने कहा कि 5G नेटवर्क लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को बड़ी मात्रा में फाइबर लगाना होगा। इससे मध्यम अवधि में दूरसंचार कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। इकरा ने कहा कि इन वजहों से दूरसंचार कंपनियों का कर्ज मार्च 2024 में उच्च स्तर 6 करोड़ 1 लाख से 6 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा। 31 मार्च 2023 को यह 6 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए रहा था। इकरा ने बयान में कहा कि दूरसंचार कंपनियों की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष में कम यानी 7 से 9% रहेगी। भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत अगस्त के पहले पखवाड़े में घटी है। मानसून की वजह से आवाजाही प्रभावित होने तथा औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती की वजह से वाहन ईंधन की मांग में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है। आमतौर पर मानसून के 4 माह के दौरान ईंधन की खपत कम रहती है। देश में सबसे अधिक इस्तेमाल वाली ईंधन डीजल की खपत 1 से 15 अगस्त के दौरान 5.7% घटकर 26,07,000 टन रह गई है। जुलाई के पहले पखवाड़े में भी ईंधन की खपत में भारी गिरावट आई थी, हालांकि दूसरे पखवाड़े में मांग कुछ सुधरी थी। मासिक आधार पर देखा जाए तो डीजल की बिक्री में 9.5% की गिरावट आई है। जुलाई के पहले पखवाड़े में डीजल की बिक्री 29,05,000 टन रही थी। डीजल की बिक्री आमतौर पर मानसून के महीनों में गिर जाती है, क्योंकि बारिश के कारण कृषि क्षेत्र की मांग घट जाती है। अप्रैल और मई में डीजल की खपत क्रमश 6.7% और 9.3% बढ़ी थी। इसकी वजह यह है कि इस समय खेती के लिए डीजल की मांग में उछाल आया था। इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए वाहनों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ा था। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगस्त के पहले पखवाड़े में घटी पेट्रोल डीजल की मांग, मानसून औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती का असर और आईटीसी के सनफिस्ट डार्क फैंटेसी ने अपने ब्रांड के लिए चुना नया चेहरा। सनफिस्ट ने शाहरुख खान को बनाया। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।